सो नेक्स्ट इज़ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये इसका दूसरा पार्ट होने वाला, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी अब अपना रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वी शैल टेक द मोस्ट कॉमन केस ऑफ जी मतलब जर्मेनियम एंड SI मतलब सिलिकॉन हुज लैटिस स्ट्रक्चर इज शोन इन फिगर 14.3। मतलब हम लोग मोस्ट कॉमन ऐसा एग्जाम्पल लेंगे। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द डायमंड लाइक स्ट्रक्चर्स। ईच एटम इज सराउंडेड बाई फोर नियरेस्ट नेबर्स। वी नो दैट SI एंड GE हैव फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर एवरी SI और GE एटम टेंस टू शेयर वन ऑफ इट्स फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर ऑफ इट्स फोर nearest neighbor atoms and also to take share of one electron from each such neighbor. These shared electron pairs are referred to as forming a covalent bond or simply a valence bond. तो यहाँ तक covalent bond के बारे में ही बताया है, simple था। The two shared electrons can be assumed to shuttle back and forth between the associated atoms holding them strongly. तो जो दो shared electrons हैं वो एक दूसरे को ऐसे पकड़े हुए हैं, मतलब कि बैक एंड फोर्थ करके पकड़े हुए हैं, जो वाइब्रेट करते हैं। फिगर 14.4 सिस्टमैटिकली शोज द टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SI और GE स्ट्रक्चर शोन इन फिगर 14.3। तो ये है 14.4। ठीक है। Which over emphasizes the covalent bond, जो covalent bond को over emphasize कर रहा है। It shows an idealized picture in which no bonds are broken, all bonds are intact. Such a situation arises at low temperatures, ठीक है। लो टेम्परेचर पर ऐसा सिचुएशन होता है कि कोई भी बॉन्ड टूटा हुआ नहीं होता है। As the temperature increases, more thermal energy becomes available to these electrons and some of these electrons may break away becoming free electrons contributing to conduction. The thermal energy effectively ionizes only a few atoms in the crystal lattice and creates a vacancy in the bond as shown in figure 14.5a. The neighborhood from which the free electron with charge minus q has come out leaves a vacancy with an effective charge plus q. This vacancy with the effective positive electron charge is called a hole. तो यहाँ तक सिंपल खाली इतना समझना हम लोग को कि एक्चुअली में जैसे ही कुछ हम लोग टेम्परेचर दे देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और यहाँ पर एक वैकेंसी आ जाता है जिसको हम लोग होल कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बॉन्ड से। ठीक है। तो अभी इसको हम लोग मतलब अभी मैं इसको जल्दी जल्दी कवर करता हूँ, फिर आगे मैं इसको डेप्थ में एक्सप्लेन कर दूँगा, तो पेशेंस रखना। The hole behaves as an apparent free particle with effective positive charge. In intrinsic semiconductors, the number of free electrons Ne is equal to the number of holes NH. That is, Ne बराबर NH बराबर Ni. तो intrinsic semiconductor में ये होता है, ठीक है? Where Ni is called intrinsic carrier concentration. Semiconductors possesses the unique property in which, apart from electrons, the holes also move. Suppose, हाँ मतलब कि ये सेमीकंडक्टर में ऐसा भी होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं लेकिन होल्स भी मूव करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जैसे यहाँ पे वोल्टेज दे दिया हम लोग ने, इसमें मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करेगा तो होल पीछे मूव करेगा क्योंकि वो एज सच पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन एक्चुअल में होल मूव कैसे करता है? तो एक्चुअल में होल नहीं मूव करता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करता है और इधर होल बन जाता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करता है और इधर होल बन जाता है, फिर इसमें जंप करता है इधर होल बन जाता है। तो इस प्रकार होल पीछे की ओर मूव करता है, ठीक है। सपोज देयर इज़ अ होल एट साइट वन एज शोन इन फिगर 14.5a, द मूवमेंट ऑफ होल्स कैन बी विजुअलाइज एज शोन इन फिगर 14.5b। तो इसमें हाँ ये रहा, इसमें इसको अच्छे से विजुअलाइज कराया है कि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे होल बन जाता है। और फिर क्या होता है कि ये होल शिफ्ट होता है, अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
An electron from covalent bond at site 2 may jump to the vacant site 1. Thus, after such a jump, the hole is at site 2 and the site 1 as now an electron. Therefore, apparently the hole has moved from site 1 to site 2. Note that the electron originally set free is not involved in this process of hole motion. The free electron moves completely independently as conduction electron and give rise to an electron current IE under an applied electric field. Remember that the motion of hole is only a convenient way of describing the actual motion of bound electrons. Whenever there is an empty bond anywhere in the crystal, under the action of an electric field, these holes move towards negative potential, giving the hole current IH. The total current I is sum, जो IE plus IH है, ठीक है? तो यहाँ तक कुछ नहीं था जो मैंने बताया, वही यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है. It may be noted that apart from the process of generation of conduction electrons and holes, a simultaneous process of recombination occurs in which the electrons recombine with the holes. At equilibrium, the rate of generation is equal to the rate of recombination of charge carriers. The recombination occurs due to an electron colliding with a hole. हाँ, तो एक process होता है recombination का. तो recombination क्या होता है? कि होल्स electrons वापस hole में चले जाते हैं. तो इसी को कहते हैं recombination. तो equilibrium position पे क्या होता है? Rate of generation of equal to the rate of recombination of charge carriers. मतलब जितने generate होते हैं उतने ही recombine हो जाते हैं. तो ये equilibrium पे होता है, ठीक है? An intrinsic semiconductor will behave like an insulator at T बराबर 0 Kelvin as shown in figure 14.6a. It is thermal energy at higher temperatures. Some excites some electrons from the valence bond to the conduction band. मतलब कि ये होता है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर दिए ये इसमें जंप कर गया, तो यहाँ पे होल बन गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है? These thermally excited electrons, ये वाले, at T greater than 0 Kelvin से बड़े, partially occupy the conduction band को partially occupy करते हैं. Therefore, the energy band diagram of an intrinsic semiconductor will be as shown in figure 4.6b. ये वाला हो गया. Here, some electrons are shown in the conduction band. These have came from the valence band, leaving the equal number of holes there. So, यहाँ तक हम लोग का intrinsic semiconductor होता है ख़त्म. अब सेमीकंडक्टर्स का दो टाइप होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. तो पहले हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या, जल्दी जल्दी देखते हैं. प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें नो इम्प्योरिटी मिक्स है, मतलब एकदम प्योर सिलिकॉन एटम जैसा या प्योर जर्मेनियम एटम वाला सेमीकंडक्टर. पीरियोडिक टेबल में फोर्थ ग्रुप एलिमेंट होता है. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर्स. सिलिकॉन का डेल्टा ईजी होता है 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का डेल्टा ईजी होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. डेल्टा ईजी क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप. सो अब जब टी ग्रेटर देन 0 केल्विन होगा तो थर्मल एजिटेशंस होगा, और थर्मल एजिटेशंस होगा तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेशन होगा, जैसे पिछले पेज में हम लोगों ने जाना कि कैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा था. और KT इज इक्वल टू 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यहाँ पे सिलिकॉन का एग्जांपल लिया जा रहा है. और K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो सिंपल, तो इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू होल, इसको कहते हैं रिकम्बिनेशन. मतलब ये एक प्रोसेस है रिकम्बिनेशन, जब इलेक्ट्रॉन वापस होल में जंप हो जाए, जो हम लोग फ्री किए थे, अगर वो वापस होल में चले जाए तो उसको रिकम्बिनेशन बोलते हैं. जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए बाद में इसका यूज आता है. अब रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे तो टी ग्रेटर देन 0 केल्विन है ही. टी इस समय कितना है? 297 केल्विन के आसपास, ठीक है? तो जब रूम टेम्परेचर हुआ तो उस समय 10^18 सिलिकॉन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है, मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है और एक होल बनता है. मतलब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है कि 10^18 सिलिकॉन एटम में वन इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा
और अगर मान लेते हैं कि 10^18 गुना 2 सिलिकॉन एटम हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। तो ये जस्ट एक कॉमन मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और एक होल होगा। नेक्स्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, इसको कहते हैं NE, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम, मतलब जितना वॉल्यूम है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। होल डेंसिटी सेम वैसे ही, NH, नंबर ऑफ होल्स अपॉन वॉल्यूम। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए NE इज इक्वल्स टू NH, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल दोनों सेम होता है, और इसी को कहते हैं NI, इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी और इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। सिंपल। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो NE इंक्रीज होगा और NH भी इंक्रीज होगा और NI भी इंक्रीज होगा। कैसे मैं ये बोल पा रहा हूं, क्योंकि लास्ट पेज में देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा जंप होगा, और जितना ज्यादा जंप होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और नंबर ऑफ होल्स भी उसी गति से बढ़ेगा, तो ये सब एक साथ बढ़ता है। और NI का एक फार्मूला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है नहीं और बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक नोट करने लायक चीज है, तो लिख सकते हैं NI इज इक्वल्स टू A मास नंबर, टी का स्क्वायर, टी है टेम्परेचर, ई का पावर माइनस डेल्टा ई जी बाई के टी, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। लेकिन ये उतना सिग्निफिकेंट फार्मूला नहीं है, इसका यूज बहुत कम आएगा, आएगा ही नहीं। नेक्स्ट, यहाँ पे आई बराबर आई प्लस आई एच बताया ही था, और जनरली आई ई ग्रेटर देन आई एच होता है।